नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी पेड क्विज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और हमारे जितने भी वीडियोस हो चुके हैं पिछले उसको प्लीज देख लीजिएगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, हमारे ग्रुप्स भी इसके लिए चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहा गया है गौतम बुद्ध के योगी मुद्रा में बैठे हुए जो मूर्तियाँ हैं किस शैली में बनाई गई हैं। तो बुद्धिज्म से संबंधित गौतम बुद्ध की कई सारी पोजिशन में बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, उसके अलग अलग मीनिंग है और अलग उसका आर्किटेक्चर है, इसकी लिस्टिंग डिटेल में देखिएगा। इसी क्रम में हम देखेंगे तो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे जो वर्तमान इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ रीजन है, इधर डेवलप हुई गांधार स्टाइल, ठीक है। तो योगी की है ना एक तरीके से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो गांधार स्टाइल में जो है डेवलप की गई। इसमें देखें किस साम्राज्य में स्वर्ण समिति को ऑन वारियम कहा जाता था, तो कई सारे कह लीजिए मतलब कमिटीज़ के रूप में है ना वारियम टर्म रेफर किया जाता था इसमें चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, ठीक। तो उसी में से यहाँ पे जो पोन वारियम नाम की कमेटी थी वो इंचार्ज थी किसकी, एक गोल्ड से संबंधित कमेटी, ठीक है। जैसे पंच वारियम है ना, एरी वारियम, ऐसे कई सारे कुछ मेम्बर्स होते थे, तो है ना इनको एक बार लिस्ट देखिएगा ये भी। अब देखें भगवान विष्णु की वराह अवतार की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो मध्य प्रदेश में जो उदयगिरी केव्स आप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये मूर्ति मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। विष्णु के कितने अवतार हैं क्या कोई बताएगा कमेंट करके कुल। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में नेफेड कहा जाता है, इसकी स्थापना का वर्ष बताना है। तो ये जो है 2 अक्टूबर 1958 का इसका एस्टेब्लिशमेंट का डेट है। दत्त समिति का संबंध इसमें से किस विषय से है, तो एक इंडियन डिप्लोमेट थे सुबिमल दत्त, ठीक, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिव्यू करना था, ठीक है। ऑप्शन ए को चुनेंगे, अराउंड 1970s में, ठीक। नेक्स्ट है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की लिस्ट भी आप लोग पढ़िएगा और हो सके तो उसको मैप में लोकेट कर लेंगे तो वो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये है अरुणाचल में। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमारे पास कुछ हिल्स हैं और किस स्टेट में है ना उनकी लोकेशन है, तो उसी क्रम में मांडव हिल्स जो है ये धार डिस्ट्रिक्ट के रीजन में मेनली मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र गलत है, बाकी के ऑप्शंस को देखिए सब ठीक है। इसमें फिर से देखें क्या मैच नहीं है, हमारे पास कुछ वाटरफॉल्स हैं और स्टेट्स का नाम है, तो यहाँ पे अगाया गंगई जलप्रपात जो कर्नाटका के लिए लिखा है ऑप्शन डी में ये गलत है, ये ईस्टर्न घाट का हमारा पार्ट है तो इधर ये तमिलनाडु में होगा ना, मैप में इसको चाहे तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों के नाम और उसमें वर्तमान नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, दूसरे साइड में, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिस्टिंग। ऑप्शन डी को अगर देखेंगे महोत्सव नगर जो है ये हमारा एंशियंट नेम है किसका, जो बुंदेलखंड रीजन में हमारा महोबा है ना उसका, ठीक, ये गलत हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे ठीक हैं। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है, हमारे पास कुछ वाटरफॉल्स हैं और एसोसिएटेड रिवर्स है ना किस रिवर से संबंधित है वो, तो कर्नाटका में देखेंगे आप जो हमारा जोग जलप्रपात है इसको गैरसोपा वाटरफॉल्स भी कहते हैं, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, और शरावती रिवर जो है ना इससे संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा इसके तहत निर्मित छठे नौसैन्य युद्ध पोत जिसका नाम है विंध्यगिरी, नाम इंपॉर्टेंट है देखेंगे, और इसका कोलकाता में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो अभी रिसेंटली जो है
प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे इसको जो है इनॉग्रेट किया गया एक तरीके से। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट 17 बेसिकली ये प्रोजेक्ट 17A है ना, अल्फा है, ठीक है, उसी को फुल फॉर्म में कहते हैं, तो इस तरह से भी लिखा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट 17A, ठीक। तो इसमें जो है इस सीरीज का आखिरी ये युद्धपोत है, जिसको कि गार्डन शिप बिल्डर्स है ना कोलकाता का, उन्होंने डेवलप किया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया। तो ऑप्शन हम इसमें बी को चुनेंगे। भारत को किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला है? तो अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट और ये एक संस्थान है रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनके मध्य जो है ये एक MOU के बाद इसको लॉन्च किया गया है, एक स्ट्रीट सर्किट लगभग 3.5 किलोमीटर का है। ये क्या नाम है इसका, जो यहाँ पे तमिलनाडु में देखेंगे मरीना बीच रोड जो है, ठीक है, कोस्टल, उसके अलॉन्ग इसको डेवलप किया जाएगा और वही नाइट कुछ इसमें जो है रेसिंग वगैरह से संबंधित एक्टिविटीज की जा सकती हैं। एक तो चेन्नई इसमें है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेगा एयर ड्रिल जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एक एयर एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बिगेस्ट कह लीजिए, इसको ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया नेक्स्ट ईयर। और इसमें जो है जैसे फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, ठीक है, ये सब देश शामिल होंगे। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया है, ठीक है? तो ये जो मेमोरियल था न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक, इसको रीनेम किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने PM ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्कीम का नाम। और इसके तहत देश में कितनी नई ई बसें चलाई जाएंगी? तो जो है यहाँ पे PM ई बस सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी जो है 10,000 कुल, ठीक है, और इनका जो ऑपरेशन होगा पूरे देश भर में वो PPP मॉडल पे होगा, ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फास्ट बॉलर थे ये, इसके इंग्लैंड के, इन्होंने अनाउंस किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पहलवान कौन सा है जिसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये है मोहित कुमार, ठीक है, और एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ है कहाँ पे, जॉर्डन में। हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, ठीक है? तो एक मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट था इंडिया का, जिसको कि कह लीजिए हैंडओवर या गिफ्ट किया गया श्रीलंका को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो ये जो है राजस्थान में अनाउंस की गई है स्कीम, जिसमें बेसिकली ये है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम से हर महीने लगभग 1 करोड़ और करीब जो है 40,000 है ना, हालांकि ये आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा 1 करोड़ याद रखिए, तो इतने फैमिलीज को जो है फूड पैकेट्स वितरित किए जाएंगे, जिसमें कुल मिला के जैसे दालें हो गई हैं, सॉल्ट है ना, सोयाबीन ऑयल, ये तमाम चीज़ें हैं, तो थोड़ा डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा ऑप्शन बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी संकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP आर्टिकल 44 में की गई है, ठीक, और तो रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट भी प्रपोज किया था जिसके अंतर्गत कुछ फीडबैक मांगे गए थे, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में वो लोग कार्यरत थे, ठीक। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच कई सारे स्टेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हर धर्मों के लोगों के लिए, आप इसको डिटेल में ये UCC को पढ़िएगा कि सभी धर्मों के लिए जो एक मैरिज सेटलमेंट वगैरह से संबंधित समान कानून होने चाहिए, तो उसी के क्रम में है, लेकिन इसके जो है कह लीजिए इस लॉ के अगेंस्ट में जो पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने लॉ पास किया अपनी स्टेट की असेंबली में, वो है केरला, ठीक। इनके कुछ कंसर्न्स हैं और इस लॉ के संबंध में, तो इस न्यूज़ को भी कवर करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को फिलहाल चुनते हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में स्थापित किया जाएगा ये बताना है।
तो देखिए भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है इसके लिए जो फंड्स हैं, और इसको सेटअप किया जाएगा जो है उज्जैन में, ठीक। और ये इसके ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मतलब जैसे आप नॉर्मल कुछ प्राइवेट शॉपिंग मॉल्स वगैरह देखते हैं उससे ये भिन्न है। भिन्न किस रूप में है कि एक ऐसा वन स्टॉप मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे सेल्स और प्रमोशन की जाएगी भारत के जितने भी जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितने भी GI प्रोडक्ट्स हैं और हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ठीक, जो और कुछ अन्य लोकल प्रोडक्ट्स हैं। तो कोशिश इसमें ये रहेगी कि जितने भी मतलब कह लीजिए इम्पॉर्टेंट, या फिर कोशिश रहेगी कि सारे ही प्रोडक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा जो कि देश के सारे जिलों से लिए गए होंगे, है ना, इस मॉल में। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी आने वाले दिनों के लिए, ध्यान रखेंगे इसको। हाल ही में भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो दुबई में, है ना, इसको आयोजित किया गया है ये इंडिपेंडेंस डे के टाइम पीरियड पे, ठीक। बहुत सारे इंडियंस लोग यहाँ पे रहते हैं तो वही जो है इन्हीं सब चीज़ों को जो इंडियन इंडिपेंडेंस से संबंधित हमारी अचीवमेंट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है हमारे इंडिया का, इन सबको डिस्प्ले वगैरह किया गया, ठीक। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की है। बेसिकली इसका अनाउंसमेंट अभी जो 15 अगस्त की स्पीच थी उस पर किया गया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, वही इसमें पूछा गया कि विश्वकर्मा जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो प्रतिवर्ष ये डेट फिक्स होती है 17 सितंबर, है ना। तो यहाँ से विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसमें हमारे मतलब जैसे ये बढ़ाई वगैरह हो गए या इस तरह के जो नाई वगैरह, कई सारी इसमें कैटेगरीज बताई गई हैं, इन सबको शामिल करते हुए उनसे संबंधित एक स्कीम जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य किस राज्य का सबसे बेहतर है? तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में फाइनेंशियल कह लीजिए कंडीशन के रेफरेंस में फिजिकल हेल्थ किसकी सबसे अच्छी है, तो अभी कुछ रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट के बाद एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा जो है फिजिकल हेल्थ में सबसे टॉप पे है। सेकंड उसमें है ये छत्तीसगढ़, ठीक है, थर्ड पे ओडिशा। तो 3 तो कम से कम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसरो का आदित्य L1 मिशन, इसमें से किससे संबंधित है? तो ये मिशन शायद हमने पहले भी एक दो बार बात की हुई है कि सन से संबंधित है। देखिए सेंसस हमारे पास नया है नहीं, आंकड़े पुराने ही हैं 2011 के, अभी भी वही रेलेवेंट है, उसको ही पढ़िएगा। तो इसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो इसमें जो है पुडुचेरी का नाम है ना, इसमें बी विकल्प में जो है इसको चुनेंगे। इस पर जो है प्रति जो है 1000 पुरुषों पर कह लीजिए महिलाओं की संख्या थी 1038। अब सेंसस 2011 के अनुसार ही न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा जो नागालैंड है यहाँ पे जो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि नहीं हुई बल्कि ये माइनस में था, ठीक है। जो पॉपुलेशन 2001 से 2011 के बीच रही इनकी ग्रोथ वो -0.47%, ठीक। नेक्स्ट है चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है उसका ही पार्ट है चुनार, और यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और कह लीजिए क्ले वर्क से बने हुए प्रोडक्ट भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे कप वगैरह काफ़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में स्थित है, ठीक। तो ये सेंट्रल अमेरिकन रीजन में आप देखेंगे यहाँ वेनेजुएला में है एंजल फॉल्स, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट, लगभग 1000 मीटर के आसपास एलिवेशन है। इसमें कौन से जलप्रपात तथा नदी का युग्म सुमेलित नहीं है या सम्मिलित लिखा है इन्होंने, तो कोई नहीं। इसमें लोध वाटरफॉल जो है ये झारखंड में है और एसोसिएटेड जो रिवर है वो बूढ़ा रिवर है, ठीक है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखें कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो एक ये रिपोर्ट आती है इनकी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की, तो 2019 वाली जो रिपोर्ट है लेटेस्ट वो उसके आंकड़े अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो ऑलरेडी इसकी जो है हम PDF आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसके क्रम में देखेंगे उत्तर प्रदेश में माइका के जो है हमारे ये रिजर्व्स नहीं मिलते, ठीक।
ओवरऑल देखेंगे इंडिया में तो जैसे आंध्र प्रदेश लीडिंग इसका कह लीजिए शेयर जिसके पास है तो इसको चुनेंगे, बाकी के विकल्प ठीक हैं इसमें। नेक्स्ट है कालपोंग जल विद्युत परियोजना, इसमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें देखें किसका सुमेल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मिनरल से संबंधित है ना जो रेंजेस हैं वो लिखे हैं और स्टेट, तो जैसे बैलाडीला रेंज जो हमारी है ये छत्तीसगढ़ में है और किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, फिर से देखें क्या करेक्टली मैच नहीं है इसमें, हमारे पास कुछ डैम हैं, परियोजनाएं हैं और संबंधित रिवर, तो पोंग डैम जो है वो ब्यास रिवर से संबंधित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ये वाला गलत है। भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है संजय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भाभा रिवर है उससे संबंधित, और जो है ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे, लगभग 120 इसमें जो है मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी है, इसको भी ध्यान रखें। 2011 के सेंसस के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम जो था ये अराउंड 6.2% के आसपास लक्षद्वीप का था और हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो थी इसमें यूटी में वो दादरा नगर हवेली की थी अराउंड 55%। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है दिया गया है इनके जो है रिस्पेक्टिव फील्ड में एक कह लीजिए उत्कृष्ट कार्य के लिए, और इनका नाम है राज चेट्टी। इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 के विजेताओं में कितने भारतीय शामिल हैं, तो एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं उसके दिशा में कुछ कह लीजिए नए इनिशिएटिव्स है ना या उसके दिशा में कार्य करने के लिए पूरे विश्व भर से 17 जो युवा हैं इनको चुना गया है जिसमें से 5 इंडियन हैं। ठीक, वही यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे इनके नाम देखिए लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने रियल टाइम में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में और इवन अभी अगस्त में भी जैसे हिमाचल वगैरह या उत्तराखंड में कई सारी बाढ़ की घटनाएँ देखी गई, तो इन्हीं सब चीज़ों को आने वाले दिनों में कुछ अर्ली हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो ऐसे फ्लड्स के लिए, तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है फ्लड वॉच इस नाम से एप्लीकेशन। हाल ही में भारत की पहली चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी जिसका नाम है इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो यहाँ पे भूपेंद्र पटेल जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको गांधीनगर में। ठीक, अगला देखिए, फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है बास्केटबॉल का ये जो मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है अभी इसमें अगस्त के एंड से लेकर के करीब 10 सितंबर के मध्य फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ठीक है, इन तीनों देशों को मिलाकर के संयुक्त रूप से डी विकल्प को चुनेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये है, बास्केटबॉल के गेम में एक टाइम पे एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, जरा कमेंट करिए। अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो भारत की तरफ से चुने गए हैं ये आदिल सुमरीवाला, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में भारतीय एथलीट होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, इनका नाम है सीमा बिस्ला, इन पर जो है नाडा ने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है और ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो भारत की है तो उसने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है सीमा बिस्ला पे जो रेसलर हैं, अभी ये कुछ अपने टेस्ट वगैरह में फेल हुई थी है ना जो एंटी डोपिंग टेस्ट होते हैं, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसी में एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे एंटी डोपिंग एजेंसी है ना वाडा, कहाँ है वो, कैनेडा में। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में CSIR NBRI, ठीक है, हमारी एक जो ये बॉडी है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने किसकी एक उन्नत किस्म जिसका नाम है नमो 108 इसको लॉन्च किया है, तो पहले ये ध्यान दीजिएगा ये नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है
ठीक। इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पे इन्होंने कमल के फूल की एक स्पेशल वैरायटी जो है कह लीजिए डेवलप करके उसका एक मतलब नेशन को एक प्रेजेंट के रूप में कह लीजिए इन्होंने उसको डेडिकेट किया। इसमें विशेषता क्या थी कि इस कमल के फूल में जो पंखुड़ियों की संख्या थी वो 108 थी, है ना, जैसे होते हैं अपने जो फूल वगैरह देखे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इसको नाम दिया गया है नमोह 108। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले ई ऑफिस सिस्टम को किस जिले में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो मैनुअल फाइलिंग वगैरह का काफ़ी काम ज़्यादा होता है, आप सब जानते ही होंगे, उसी क्रम में डिजिटल कुछ इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है कन्नौज के कलेक्ट्रेट में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसी के रेफरेंस में न्यूज़ थी, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। इसमें कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो आप जैसे अर्थ पे ट्रॉपिकल रीजन्स देखते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर और इक्वेटर के मध्य, तो यहाँ इसको मैप में लोकेट करेंगे तो जैसे हमारे जो ये मेजर डिजर्ट्स हैं जैसे अरेबियन डिजर्ट हो गया, है ना, अटाकामा इधर हो गया और कालाहारी हो गया अफ्रीका में, ठीक है, ये सब तो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में आएंगे। ठीक है, परंतु जैसे इधर गोभी और तकला मकान ये सब जो है ये इससे हमारे रेंज में नहीं आते हैं। ठीक, एक बार मैप पे इन जितने भी डेजर्ट्स की लोकेशन है उसको लोकेट कीजिएगा, चीज़ें चूँकि पूछी जाती हैं तो याद होनी ज़रूरी है। इसमें से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो हमारे मध्य से इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे, तो साउदर्न रीजन में हमारा कौन सा पड़ेगा? ये कालाहारी, ठीक है, जो इधर साउदर्न अफ्रीका का पार्ट है, ठीक, उसके हिस्से में, बाकी के सब ऊपर ही नॉर्दर्न में ही है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो डेक्कन प्लेटू के रीजन में जो ब्लैक सॉइल का आप रीजन देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में, मुख्य रूप से इसका जो डिपोजिशन हुआ है बेसाल्टिक लावा के ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है इसके डिपॉजिट से हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे ब्लैक सॉइल, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर। ठीक, ये भी कई बार लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है आज के इस वीडियो में, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, मैप वाली चीज़ों को प्लीज़ लोकेट कीजिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।